हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद गिरी सिस्टर्स में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 अनुपात, और उसका एक्सरसाइज 2.1 हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। अगर उसको उसका लिंक आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये पूरा सोल्यूशन बिल्कुल भी हिंदी में है, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और जो हिंदी के साथ इंग्लिश के साथ साथ अब हिंदी में भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट अस, आपके लिए हम लोग बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, समबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज हमें ले लेना है और उसके कोणों का अनुपात हमें निकालना है, क्योंकि चैप्टर ही अनुपात पर डिपेंड है, तो यहाँ हमें कोणों का अनुपात निकालना है। ओके, तो हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि समबाहु त्रिभुज के कोण का प्रत्येक का वैल्यू कितना होता है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब है सारी भुजाएं बराबर, सारी भुजाएं बराबर और सारे कोण भी बराबर होते हैं। हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक कोण अगर इक्वल है तो कितना कितना हो सकता है, 180 डिवाइडेड 3 दैट इज 60 डिग्री। इसका मतलब है कि ये सारे कोण जो है 60 60 और 60 है, तभी सबको ऐड करने पे 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो इतना हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमें पता है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान बराबर 60 डिग्री है या फिर होता है। ठीक है, तो इसलिए तीनों कोणों का अनुपात, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहला कोण अनुपात दूसरा कोण या द्वितीय तृतीय भी आप लिख सकते हैं, और तीसरा कोण। मेरी हैंड राइटिंग पर मत जाइएगा प्लीज़। तो पहला कोण कितना है, 60 डिग्री, दूसरा कोण भी है 60 डिग्री, तीसरा कोण भी है 60 डिग्री। तीनों का अनुपात का साइन देकर इस तरीके से हमें अनुपात निकाल लेना है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमें किससे डिवाइड करना होगा, 60 से ही डिवाइड करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट यहाँ 60 है, और 60 से सारे डिवाइड हो जाएंगे, सारे भाग लग जाएंगे। तो आ जाएगा कितना, 1:1:1, मतलब कि 1:1:1 आ गया। इसका मतलब कि समबाहु त्रिभुज के सारे कोणों का अनुपात बराबर इतना होता है, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझे। तो अब 8वां नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, पुलक बाबू और मणिक बाबू की उम्र का अनुपात 7:9 है, 7:9 है। मणिक बाबू का उम्र अगर 72 वर्ष है तो पुलक बाबू का उम्र कितना होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, एक का उम्र भी दिया हुआ है, हम इजिली निकाल सकते हैं कि पुलक बाबू का उम्र कितना होगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिखते हैं कि पुलक बाबू किसका अनुपात दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मणिक बाबू का उम्र। ठीक है, तो लिखेंगे मणिक बाबू का उम्र बराबर कितना, 72 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, और हमें दोनों का अनुपात दिया हुआ है, पुलक बाबू और मणिक बाबू का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुलक बाबू और मणिक बाबू के उम्रों का अनुपात कितना दिया हुआ, 7:9, मतलब कि 7:9। ठीक है, तो एक मणिक बाबू का तो दे दिया, पुलक बाबू का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से कि पहले पुलक है बाद में मणिक है, तो पुलक को हम मान लेंगे कुछ। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं कि माना पुलक बाबू की उम्र, पुलक बाबू की उम्र की उम्र बराबर x है, तो हमने पुलक बाबू को x मान लिया, तो बस यहाँ पुट कर देना है x और का मतलब ये अनुपात हो गया। यहाँ पे पुलक बाबू और मणिक बाबू की बात हो रही है, तो पुलक बाबू को हमने x मान लिया, मणिक बाबू का दिया हुआ है 72 ईयर्स,
इक्वल 7:9। अब इस टू का मतलब डिवाइड होता है, मैंने पहले भी बताया है, तो x डिवाइडेड 72 और यहाँ पे 7/9। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है, यही रूल्स होता है इस तरीके से क्वेश्चंस का, या फिर इक्वल का साइन है और बट्टा में है तो आप इधर से भी काट सकते हैं, बट अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई समझाती हूँ। 9 गुना x 9x हो जाता है और 7 गुना 72, ठीक है, तो x का मान हो जाएगा 7 गुना 72/9, 9 8 72, 8 बार में कट जाएगा, 8 7 56, 56। 56 मतलब कि एक हमने किसे माना था, पुलक बाबू को माना था, और पुलक बाबू की उम्र कितनी आ गई, पुलक बाबू की उम्र उम्र बराबर 56 वर्ष, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो पुस्तकों का मूल्य 2:5 है, प्रथम पुस्तक का मूल्य 32.40 रुपये हो तो दूसरी पुस्तक का मूल्य निकालना है, बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन, मतलब 8वें नंबर की तरह है। चलो इसे बनाते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसे हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, दो पुस्तकों का मूल्य का अनुपात और प्रथम पुस्तक का मूल्य भी दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रथम पुस्तक का मूल्य बराबर 32 रुपया 40 पैसा, ठीक है, इतना रुपया दिया हुआ है, और इस दोनों पुस्तकों का मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, तो अगर दूसरी पुस्तक का मूल्य बताओ, मतलब प्रथम पुस्तक तो दे दिया है तो दूसरा पुस्तक हमें निकालना है, तो मान लेंगे कि दूसरा पुस्तक या फिर दूसरी पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपया है, मान लेते हैं, ठीक है, माना, ठीक है। अब उनका अनुपात लिख देते हैं, दोनों पुस्तकों का अनुपात यहाँ पे ऐसे होगा, का अनुपात बराबर दे दिया है 2:5, 2:5 है, ठीक है। और प्रथम पुस्तक मतलब कि पहले तो प्रथम लिखते हैं बाद में दूसरा लिखते हैं, तो प्रथम पुस्तक हमने कितना मान लिया है, कितना है 32.40 रुपीज़, दूसरा पुस्तक हमने x ले लिया, तो बस दोनों का अनुपात कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो 32 रुपया 40 पैसा/x = 2/5, ठीक है। अब जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 गुना x 2x, x वाले को पहले मल्टीप्लाई करो, और 5 गुना इतना मतलब कि 32.540 × 5, तो x का मान यहाँ पे 32.40 × 5/2, 2 से काट लेंगे, 16 दोना 32 और ये 2 2 4 0, तो 16 रुपया 20 पैसा और 16 रुपया 20 पैसा को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर हो जाता है। अच्छा यहाँ पे 32 रुपये 40 पैसा दिया है या 50 पैसा दिया है, बुक में शायद गलत तो नहीं है, नहीं 32 रुपये 40 पैसा ही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 0 हो गया, 5 2 10 का 0, हासिल 1 6 5 30 और 1 31, कैरी 3 मतलब हासिल 3 5 और 5 3 8, 81 रुपया। 0 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, 81 रुपया, इसका मतलब कि दूसरे पुस्तक का मूल्य बराबर 81 रुपया आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें के ऊपर। ओके, तो 10वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात 22:7 है, उस वृत्त के व्यास की लंबाई अगर 2 मीटर 1 डेसीमीटर हो तो वृत्त की परिधि निकालनी है। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात दिया हुआ है, साथ में हमें व्यास दे दिया है, तो हमें परिधि निकालना है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे मीटर और डेसीमीटर की बात है, तो चलो इसे करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या लिखा हुआ है कि वृत्त का व्यास दिया हुआ है कितना बराबर 2 मीटर 2 मीटर और 1 डेसीमीटर
डेसी मीटर। तो डेसी मीटर को या तो हमें मीटर में चेंज करना होगा या फिर मीटर को डेसी मीटर में चेंज करना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि मीटर के बाद ही डेसी मीटर आता है। डेसी मीटर मतलब डेसी मीटर छोटा होता है। मीटर से डेसी मीटर में चेंज करने के लिए हमें 10 से गुना करना पड़ता है। तो हम 2 मीटर को डेसी मीटर में चेंज करेंगे तो 10 से गुना कर देंगे, और ये पहले से ये 1 डेसी मीटर में था तो इस 1 को लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2 से 10 को मल्टीप्लाई करने पर 10 20 हो गया, 20 + 1 मतलब कि 21 डेसी मीटर आ गया, ठीक है। मैं फिर से समझाती हूँ, मीटर से डेसी मीटर में चेंज करने के लिए 10 से गुना किया जाता है, तो ये पूरा डेसी मीटर में चेंज हो गया और ये पहले से 1 डेसी मीटर में था, दोनों को जोड़ देंगे तो 21 डेसी मीटर आपका आ गया, ठीक है। अब अनुपात दिया हुआ है कि परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। ये दिया हुआ है 22:7, ठीक है। तो परिधि तो हमें पता नहीं है, व्यास हमारे पास है 21 डेसीमीटर, तो परिधि को हमें मानना होगा। आप ऊपर ही मान लो कि माना परिधि बराबर, माना परिधि बराबर एक्स मीटर है, 1 डेसीमीटर है, डेसीमीटर, ठीक है। परिधि को हमने 1 डेसीमीटर मान लिया। अब बस हो गया, वृत्त की परिधि एक्स है, व्यास दिया हुआ है कितना 21 डेसीमीटर और यहाँ पे 22:7, ठीक है। अब ये अनुपात का मतलब बटा होता है, बटा कर देंगे 22/7, क्रॉस गुना कर देंगे 7 × 1 7x और 21 × 22, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई में नहीं करती हूँ, लार्ज हो जाता है, काटने में आसानी होगा, बिना मल्टीप्लाई किए छोड़ दीजिए। 22 / 7, 7 × 21, ठीक है। 22 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 होगा, ठीक है। तो इतना ही डेसी मीटर आंसर हो गया। और एक हमने किसे माना था, परिधि, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि, परिधि बराबर 66 डेसी मीटर, इतना आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो इसी तरीके से बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, हमारे सप्तम श्रेणी के 150 छात्रों में से 90 छात्र, ठीक है, सातवीं कक्षा के 150 छात्रों में से 90 छात्र और छठवीं की श्रेणी के 180 में से 80 छात्र चित्रांकन मतलब ड्राइंग कंपटीशन है में अपना नाम दिया है। अनुपात के द्वारा दिखलाओ कि किस श्रेणी के प्रतियोगी अधिक है, मतलब किस श्रेणी, मतलब सातवें के अधिक है या आठवें, सॉरी सप्तम के अधिक है या छठवीं के, किसमें ज़्यादा लोगों ने भाग लिया है ये हमें फाइंड करना है, बताना है, ठीक है। तो क्लास 7 के सातवीं कक्षा के कितने छात्र थे, कक्षा के कुल छात्रों की संख्या कितनी है, कुल छात्र बराबर ये है 150, और भाग लेने वाले, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र कितने हैं, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र वाले छात्र ये कितने हैं, यहाँ पे 90 हैं, ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से छठवीं कक्षा या श्रेणी के कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र, बहुत ही गंदी राइटिंग से मैं लिख रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, छठवीं श्रेणी के कुल छात्र हैं 180 और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र बराबर कितने हैं, 80। चित्रांगन प्रतियोगिता है तो देखो 150 में 90 ने भाग लिया है और 180 में 80 ने भाग लिया है, तो हमें ये बताना है कि किस श्रेणी के अधिक बच्चों ने भाग लिया है, अनुपात के द्वारा हमें दिखाना है, ठीक है। तो पहले तो अनुपात निकालना होगा, तो हम अनुपात निकालते हैं, अनुपात, ठीक है, कक्षा सात और अनुपात कक्षा या फिर श्रेणी लिख सकते हैं आप, कक्षा इस तरह अच्छा नहीं लग रहा है ये, इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है।
तो अनुपात का साइन मैंने बीच में दे दिया और यहाँ लिखती है सातवीं श्रेणी अनुपात छठवीं श्रेणी। अब सातवीं श्रेणी में टोटल प्रतियोगी थे 90 और टोटल जो कक्षा में लोग थे छात्र थे वो थे 150। ठीक है, तो हम जैसे कहते हैं ना कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और आपको 5 मिला 10 में, तो हम लिखते हैं ना 5/10, मतलब 10 में 5 है। उसी तरीके से ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि 150 छात्रों में से 90 छात्र ही हिस्सा लिए हैं। ठीक है, इसलिए इस बटा के फॉर्म में मैं लिख रही हूँ। उसी तरीके से 180 छात्रों में से 80 छात्र ने भाग लिया था छठवीं श्रेणी के। तो इस तरीके से ये एक अनुपात हमें मिल गया। पहले अनुपात को सॉल्व ना करके पहले इस बट्टे वाले को हटाते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब इसे 3 से 3 3 आई 9, 3 5 15, यहाँ से हम 2 से काट सकते हैं, 2 2 चौका 8 और 2 7 2 चौका 8। अच्छा, यहाँ पे 180 थे ना, ठीक है, तो 2 9 18, अब ये हो गया 3/5 अनुपात 4/9। अब इस अनुपात को सीधा करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्रॉस कर देंगे, तो 3 × 9 अनुपात 4 × 5, 27 × अनुपात 20। आप देख सकते हो कि 27 आया है सातवीं श्रेणी के बच्चों में, ठीक है, और 20 आया है छठी में। इसका मतलब कि किस क्लास का पार्टिसिपेशन अधिक था, किस क्लास का छात्रों ने अधिक भाग लिया था, तो लिखेंगे कि कक्षा या फिर सातवीं श्रेणी लिख सकते हैं, सातवीं श्रेणी के बच्चों ने या फिर छात्रों ने छात्रों ने छात्रों ने सॉरी छात्रों सातवीं श्रेणी के छात्रों सॉरी सातवीं श्रेणी के प्रतियोगी अधिक है ना, मतलब कि ज्यादा भाग लेने वाले प्रतियोगी अधिक है, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया और एक्सरसाइज 2.1 में यही लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ेंगे तो हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, 2.2 करेंगे। तो होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा, और मैं अपनी तरीके से बहुत कोशिश कर रही हूँ। अगर कहीं भी आपको कुछ समझ में ना आए, मतलब मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, हैंड राइटिंग, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बट मैं कोशिश करती जा रही हूँ डे बाय डे कि मेरी हैंड राइटिंग और अच्छी हो और आपको समझाने में भी मुझे आसानी हो। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो प्रैक्टिस घर में करते रहिए, तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। बाय एंड टेक केयर।